फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस बैग से, ये हमारे पास शॉपिंग बैग है, तो इससे बहुत ही सुंदर बैग बनाना सिखाऊंगी जो आपके डेली यूज़ में काम आएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए इस तरीके से एक बैग लिया है। अक्सर हमारे पास इस तरीके के बैग रहते हैं जिन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इसका मैं यूज़ करूँगी। इसे इस तरीके से यहाँ से हम खोल लेंगे, साइड से हम इसे काट लेंगे और इसको अलग कर लेंगे इस तरीके से। आपके पास किसी भी साइज़ का बैग है आप उससे इसे बना सकते हैं, छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का हो आपके पास। देखिए इसे मैंने इस तरीके से खोल लिया है, और इसके लिए मैं अब एक पुराने कपड़े का यूज़ करूँगी। आपके पास कोई भी कपड़ा हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मेरे पास ये कपड़ा है तो इसे हम इस तरीके से इसमें रखेंगे। तो और बीच से भी हमें उसे अलग कर लेना है, दो पीस कर लेने हैं। देखिए बीच से हमने अलग कर लिया ये बैग को, जो शॉपिंग बैग है इसे इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और दूसरी साइड हमें इस तरीके से रखना है। और इसके बाद मैं इसे बताऊंगी कि आपको इसमें किस तरीके से सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले जो इसके यहाँ बीच में गैप है, यहाँ पर आपको इसके चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड दोनों में कर लेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। और इसे बीच से भी हम अलग कर लेंगे, दो पीस कर लेंगे कपड़े के। और देखिए मैंने इसमें सिलाई कर ली है। अब आपको सिलाई करने के बाद इसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे इस तरीके से, जो इसका अंदर वाला जो हिस्सा है इसे इस तरीके से काट लेंगे। तो हमें इसे किनारे किनारे पर इसकी सिलाई कर लेनी है। पहले कटिंग कर लेंगे इसकी सिलाई करने के बाद, और अब हम इसे किस तरीके से पलटना है तो इसे हम इस तरीके से कपड़े को इसके अंदर डालेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से हम इसे पलट लिया है, और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से रख लेना है। और बिल्कुल इसके किनारे पर अब हम सिलाई करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऊपर की साइड भी हम इसमें पहले सिलाई कर लेंगे, और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर भी हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल किनारे पर चारों तरफ इसमें सिलाई कर लेंगे, और ऐसे ही हमें दोनों पीस में कर लेना है। जो हमने दूसरा पीस भी किया उसे भी हमें ठीक ऐसे ही कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इसमें सिलाई कर ली है, एक पीस ये है और दूसरा पीस भी मेरे पास तैयार हो गया है। अब हमें इसे किस तरीके से सिलाई करनी है, तो देखिए इसका उल्टा हिस्सा है इसे हमें इस तरीके से रखना है, और दूसरे पीस को हमें इसके ऊपर उल्टी साइड से रखना है, यानी कि दोनों सीधे पार्ट हमें अंदर की साइड रखने हैं। और इस तरीके से ये उल्टा वाला हिस्सा हमें इस तरीके से रख लेंगे, और इसके हमें तीनों तरफ सिलाई कर लेंगे। ऊपर वाले हिस्से में सिलाई नहीं करेंगे जहाँ पर हमारा ये हैंडल है, और बाकी हम इसमें तीनों साइड पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल इस तरीके से देखिए हमने सिलाई कर ली है नीचे से भी। और अब सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले आप इसमें पक्की सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद आपको इस तरीके से इसको पकड़ना है, और साइड में हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है 2 इंच पे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। इससे क्या है कि इसके कॉर्नर बन जाएंगे, तो दोनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने सिलाई कर ली है, और अब मैं इसमें इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो सीधा करने के बाद ये बहुत ही सुंदर बैग बनकर तैयार है। इसे आप सब्जी के लिए, मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है।
आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से आप मैंने वेस्ट जो हमारे पास बैग रहता है उसका यूज़ किया है, मैंने इसमें सामान रख लिया है, ये देखिए। इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाएं बैग को घर पर। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।